नमस्कार बच्चों, आज ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की फोर्थ लेक्चर वीडियो है और इसमें भी मैं पिछली तीन वीडियोस की तरह कुछ एमसीक्यूज के साथ फिल इन द ब्लैंक्स भी लेकर आया हूँ। साथ के साथ इस वीडियो के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात भी करेंगे, डिस्कशन करेंगे आपके साथ। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर डैश टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एनी पॉइंट। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और उस प्रॉपर्टी से पहले भी आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। एज द नेम सजेस्ट, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, इक्वल, और पोटेंशियल तो आप जानते हैं, यानी कि सरफेस एट विच इक्वल पोटेंशियल एग्जिस्ट, वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पर बराबर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। यानी कि आप उस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर खड़े हो जाएं कहीं भी, तो आपको सेम बराबर वैल्यू का पोटेंशियल मिलेगा। अगर कहीं पर 5 वोल्ट है तो उसकी पूरी सरफेस पर हर जगह किसी भी पॉइंट पर 5 वोल्ट पोटेंशियल ही रहेगा। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्या है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर होती है। जी हाँ, ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी भी है। एक्चुअली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। इसके एक बेसिक रीज़न भी है कि ऐसा होना चाहिए, ये बोर्ड में भी कई बार आ चुका है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज है वो रेस्ट पर रहता है और रेस्ट पर तभी रहेगा जब सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज़ सेफर टू बी इनसाइड द कार रेदर देन स्टैंडिंग आउटसाइड अंडर अ ट्री ड्यूरिंग लाइटनिंग, दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ गुड। एक्चुअली ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स बनाया है मैंने, बट ये बोर्ड एग्जाम्स में पहले कई बार आ चुका और एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। देखिए, कंसेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप जानते ही हैं, यूनिट का नाम है, चार्ज अरेस्ट में रहता है। शील्डिंग का मतलब पता ही होगा आपको, बचाना। तो एक्चुअली इफेक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी हम किसी हॉलो मेटेलिक कंडक्टर को, किसको, एक हॉलो मेटेलिक कंडक्टर को चार्ज देते हैं, तो आपको पता होगा स्किन इफेक्ट, मैंने पिछली वीडियोस में बताया। स्किन इफेक्ट कहता है कि वो जो चार्ज गिवन टू एनी मेटालिक बॉडी ऑलवेज रेसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो चूंकि ये चार्ज बाहर ही रह जाएगा तो इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो रहती है। इस इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और इसी इफेक्ट का यूज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर इस फिनोमेना में, इस प्रैक्टिकल फिनोमेना में। अगर कई बार क्वेश्चन आता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि रोहन है और उसका एक दोस्त है, वो बाहर खड़ा है, रोहन चूंकि इस कंसेप्ट को जानता है, वो कार से जा रहा है, उसने देखा कि लाइटनिंग हो रही है तो जो स्टैटिक चार्ज है वो उससे टकरा सकता है और उसे नुकसान पहुंचा सकता है, और वो पेड़ के पास खड़ा है, तो रोहन ने अपने दोस्त को बुलाया अंदर क्योंकि वो जानता था कि जो उसकी कार है वो एक मेटालिक बॉडी है और एक हॉलो बॉडी है जिसके अंदर स्टैटिक चार्जेस एंटर नहीं कर पाएंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हो, लाइटनिंग हो रही हो और आपको ये कंसेप्ट पता है चूँकि आप पढ़ चुके हैं इसे या पढ़ लेंगे, तो ऐसा कभी भी अगर आपके दोस्त के साथ या कहीं भी हो तो आप उसे एडवाइस करें कि भाई वो पेड़ के नीचे या किसी शेड के नीचे ना खड़ा हो, वो किसी घर के अंदर या फिर हॉलो मेटालिक सरफेस के अंदर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं ए एंड बी, आप जानते हैं स्फीयर्स की बात कर रहा है, यानी कि शेप जो स्फेरिकल है और उनकी जो रेडियाई है वो भी अलग अलग है ए और बी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो आपको बताना है दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। देखो, समझो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि अगर मैंने ये दो स्फीयर बना रखे हैं और दोनों का रेडियस अलग है ए और बी, चार्ज की बात की नहीं है, इट मींस कि चार्ज भी अलग अलग है क्यू वन और क्यू टू। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इनका पोटेंशियल बराबर है, और पोटेंशियल बराबर कैसे हुआ होगा आप जानते हैं, कंडक्शन से हो गया होगा। तो अगर मैं मान लूँ कि इनका पोटेंशियल बराबर है
तो इनकी सरफेस पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है किसी भी स्फीयर की, वो आप जानते होंगे के क्यू बाय आर होता है, उसका रेडियस पता होना चाहिए और उसकी चार्ज पता होना चाहिए सरफेस का। तो इसका जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू वन बाई ए, और इसका जो पोटेंशियल आएगा के क्यू टू बाई बी आएगा। यहाँ से आपको क्यू वन और क्यू टू का रेशियो मिलेगा जो कि आएगा ए बाई बी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा, आप जल्दीबाजी में रेशियो ऑफ चार्ज नहीं निकाल के आएंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटीज निकाल लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ये आएगी। अब बच्चे कहेंगे सर ये कैसे आपने कर दिया, तो आइए इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए सिग्मा वन को मैं लिख सकता हूँ क्यू वन बाई ए वन, और सिग्मा टू को मैं लिख सकता हूँ क्यू टू बाई ए टू, और इसको जब आप शफल करेंगे या सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। क्यू वन बाई क्यू टू की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी, ए बाई बी। तो आपने ए बाई बी लिखा, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, फोर पाई बी स्क्वायर बाय फोर पाई ए स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बी बाय ए, यानी कि आपका आंसर होगा बी इज टू ए। देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि वो एक न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, लेकिन उसे फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव में बना दिया। तो याद रखिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है। कोशिश करती है सीबीएसई, इस बार तो वैसे नहीं किया, इस बार तो सीबीएसई ने तबाही मचा दी, लेकिन नेक्स्ट बार से हो सकता है कि वो इस बात का ध्यान रखे और ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन एक नंबर में ना दें, ठीक है। तो इसका आंसर है बीस टू है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है, एक चार्ज है क्यू जो कि एक क्यूब के कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो आपको बताना है कि उस क्यूब के फेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा। देखो अगर पहले केमिस्ट्री में एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, जो कि अब नहीं रहा, सीबीएसई की अनुकंपा कह लीजिए, महान उसकी प्रवृत्ति कह लीजिए, नेचर कह लीजिए, वो अब चैप्टर उन्होंने हटा दिया। उस चैप्टर में ही कंसेप्ट आता था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, तो वहीं पर एक कंसेप्ट आता है जो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, और वो कंसेप्ट क्या है समझ लीजिए। वो कंसेप्ट ये है कि अगर किसी भी क्यूब की मैं बात करूं, किसी भी वर्टेक्स पर रखा होगा, तो इस वर्टेक्स पे जो चार्ज रखा हुआ है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस क्यूब, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और ऐसे क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है गॉस लॉ लगाने के लिए हमें एक क्लोज सरफेस चाहिए। इस वर्टेक्स पर रखे हुए चार्ज को जब तक हम एक क्लोज सरफेस के अंदर कैद नहीं कर लेते, हम गॉसियन सरफेस नहीं बना पाएंगे और गॉस लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसको कवर करने के लिए हमें 7 और ऐसे क्यूब लगाने पड़ेंगे, यानी कि टोटल हो जाएंगे 8। तो 8 क्यूब में अगर हम टोटल फ्लक्स देखेंगे तो वो क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, तो 1 क्यूब में कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 क्यूब से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा 1/8 इंटू टोटल, और टोटल आप जानते हैं कितना हो जाएगा, क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उसने बोला 1 फेस से गुजरने वाला, ये तो पूरे क्यूब का हो गया 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक फेस की अगर मैं बात करूं तो याद रखो इसमें 6 फेस हैं, बच्चे यही गलती करते हैं, याद रखिएगा इस बात को, इसमें 6 फेस हैं, तो बच्चे क्या करेंगे 1/6 का और मल्टीप्लाई करेंगे और 1/48 कराएंगे, लेकिन वो गलत है क्योंकि ये चार्ज जिस तरीके से रखा है उससे सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे फेस हैं जिनसे पैरेलल रेज पास हो रही होंगी, यानी कि उनसे इस चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं 3 फेसेस को पैरेलल क्रॉस करेंगी और 3 फेसेस को परपेंडिकुलर। और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी कि 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ, इसमें 6 साइड्स हैं या 6 फेसेस हैं, सॉरी साइड्स नहीं, 6 फेसेस हैं, और 6 में से 3 फेसेस से परपेंडिकुलर नहीं गुजरेंगी फील्ड लाइन्स और 3 फेसेस से गुजरेंगी, तो 1/3 कंट्रीब्यूशन होगा, और इस प्रकार जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 1/24 इंटू, सॉरी उसी सिंबल में लिखें जिसमें क्वेश्चन दिया है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो ये चार बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। एक्चुअली मैं ये जो क्वेश्चन लेकर आता हूँ, हर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे एक नए कंसेप्ट पर, एक डिफरेंट कंसेप्ट पे होता है, बहुत ही प्यारे कंसेप्ट हैं, ये आपके क्लियर होने चाहिए। टफ क्वेश्चन भी आएगा तो भी आप कर लेंगे अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो स्लो लगे तो आप जो थ्री पॉइंट्स वाली बटन होती है साइड में, राइट साइड में, वहाँ से आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ऑफ इक्वल रेडियस पजेसिंग इक्वल चार्ज कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, देन द कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप कंपेयर टू ईच इंडिविजुअल स्मॉल ड्रॉप इज। ठीक है, क्या करना है, कैसे करूँगा? देखो, सबसे पहले ना, जो एक टीचर है वो तो कई साल से पढ़ा रहा है, जैसे मैं हूँ या मुझसे और भी एक्सपीरियंस टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं काफ़ी, तो वो जो पढ़ा रहे हैं वो कैसे पकड़ लेते हैं वो तो आप जानते ही हैं, वो इतने साल से पढ़ा रहे हैं। बट आपको क्या पकड़ना चाहिए जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन किसका है और क्या कंसेप्ट लगना है? इतने सारे फॉर्मूले हैं फर्स्ट यूनिट में, हमें कौन सा स्टार्ट करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया कि टू टाइम्स होगा, कैपेसिटेंस दो गुना हो जाएगा, क्योंकि रेडियस दो गुना हो गया है तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस दो गुना तो कैपेसिटेंस भी दो गुना। अब बात करते हैं इसकी, इस क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की। द पोटेंशियल टू विच अ कंडक्टर इज रेज डिपेंड्स ऑन। देखो, अभी अभी मैंने एक मास्टर फॉर्मूला बताया, क्यू बराबर सी वी। इसमें अगर हम वी की बात करें तो वो क्यू बाई सी आएगा। क्यू जो है वो चार्ज है, पहला ऑप्शन मिल गया, और सी जो है वो शेप और साइज या ज्योमेट्री और साइज पर डिपेंड करता ही है, यानी कि पहले और दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। गुड, तो ये छः क्वेश्चंस थे आज, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था। सारे कंसेप्ट्स अलग अलग हैं और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अच्छा, अभी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। आपको पता ही होगा कि आजकल जो है वो पूरी दुनिया में ही, हमारे देश में ही क्या, महामारी की तरह फैल गया है कोरोना वायरस। तो मेरे हिसाब से, आपको पता ही है, मेरे हिसाब से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीख भी दे रही है हमें कि हमें हाइजीनिक रहना चाहिए, जो कि हमारी संस्कृति भी थी, और साथ के साथ बैक टू पास्ट भी बताता ही हमें कि हमें अपने बैक टू पास्ट में जाना चाहिए। हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं एज डिफरेंस देखे बगैर, एक्चुअली हमें नमस्ते ही करना चाहिए। तो ये बेस्ट ऑप्शन है और कई कंट्रीज़ अब इसे अपना रही हैं। तो आप घर में भी इसे बताएं और आगे भी आप अपनी लाइफ में भी फॉलो करें। आप अपने से बड़े से नमस्ते करें या पैर छूएं जो भी है, बट हैंडशेक से बचें, फ्रेंड से भी बचें, नमस्ते करें आप। ठीक है, नमस्कार।